हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप एक YouTube क्रिएटर हो, YouTube पे काम करते हो, तो आप लोगों को ये जरूरी होता है कि आप लोग भैया अपने चैनल पे कंटिन्यू रहें। भैया कंटिन्यू रहने का मतलब मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आपके भैया चैनल पे डेली आपकी एक वीडियो आना बहुत ही जरूरी है। ऐसा करते यदि आप, तो आप लोगों को इसका जो परिणाम है वो लॉन्ग टर्म में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भैया यूट्यूब का एल्गोरिथम इसी तरह से काम करता है। आप यदि डेली एक वीडियो पोस्ट करोगे तो यूट्यूब भी ये समझेगा ये बंदा यूट्यूब पे सच में काम करना चाहता है, यूट्यूब पे सच पे ही कुछ मेहनत करता है, तो हो सकता है आपकी किसी न किसी वीडियो को वायरल कर देगा। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग नए क्रिएटर हो तो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी भैया अपना टॉपिक फाइंड करने में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब आप लोगों को बताया जा रहा है कि डेली आपका एक वीडियो आना चाहिए, लेकिन आपके पास भैया टॉपिक ही नहीं होते हैं कि हम डेली किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं जिससे हमारे चैनल पर डेली एक वीडियो आ जाए। तब आप लोग क्या करते हो, आपके दिमाग में कुछ भी आता है, आप लोग वीडियो बनाते हो और उसे अपने चैनल पे पोस्ट कर देते हो, और फिर जो आपकी वीडियो होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके वीडियो पे गिनती लगाने के लिए होती है कि आपके 15 वीडियो हो गए, आपके 20 वीडियो हो गए। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको भैया जब आप YouTube चैनल बनाए हैं उससे पहले ही आप लोगों को कम से कम 20 वीडियोस का बैकअप ले लेना चाहिए, देन उसके बाद काम करते रहिए। उसके बाद आप लोगों को एक दिन पहले ही दूसरे दिन का जो वीडियो बनाना है उसका टॉपिक फाइंड कर लेना है, उसके वीडियो बना लेने हैं। अब यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है यार, आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोग भी सुनना चाहते हो लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप लोग ये सुनना चाहते हो कि हम डेली डेली टॉपिक लाएंगे कहाँ से वीडियो बनाने के लिए। तो भैया आप लोगों को मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनिए, उनसे भैया आप लोगों को डेली वीडियो बनाने के लिए टॉपिक मिल जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर की बात, जो भैया बहुत से बड़े क्रिएटर्स होते हैं जो अपने कंटेंट टैग में भैया पोस्ट करते हैं कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो भैया आप लोग उनकी कंटेंट टैग के कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां से भैया बहुत से मतलब क्रिएटर्स होते हैं, बस उनके व्यूअर्स होते हैं जो कि वहां पे कमेंट करते हैं कि सर हमको ये चाहिए, हमको ये नहीं समझ में आ रहा, हमको इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, तो भैया आप वहां से टॉपिक उठाइए, वहां से वीडियो बनाइए। इससे क्या होगा कि वो व्यूअर्स की जरूरत भी है और आप उस पर वीडियो बना भी दिए हैं, तो हो सकता है आपकी वीडियो भैया वायरल होने चांस हो जाए, आपके वीडियो से भैया व्यूज भी आएंगे और आपको एक टॉपिक भी मिल गया। देन उसके बाद क्या होता है भैया, हर संडे या शुक्रवार या शनिवार को भैया सारे बड़े क्रिएटर जो होते हैं वो लाइव आते हैं, चैनल चेकिंग करते हैं या लाइव आते ही रहते हैं, तो आप लोगों को उनके लाइव सेक्शन में जाना है। लेकिन वहाँ पे दौड़ ये नहीं लगाना कि आप हमारा चैनल सर चेक कर दीजिए, क्योंकि जब आप दौड़ लगाओगे हमारा चैनल चेक कर दीजिए, हमारा चैनल चेक कर दीजिए, तो आप लोग सिर्फ उसी में लग रह जाओगे और कुछ वहाँ पे सीख नहीं पाओगे। लेकिन आपको लाइव सेक्शन में जाना है तो अपने फायदे से जाना है, वहाँ पे अपने चैनल वगैरह चेक करा चेक करना मत पड़िए, वहाँ पे जितने भी व्यूअर्स होते हैं जो कमेंट चल रही होते हैं उन कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट को देखिए, क्योंकि वहाँ लाइव चैट होती है तो वहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं कमेंट कर करके पूछते रहते हैं, तो आप लोग यहाँ से भी वीडियो का टॉपिक होता है उसको फाइंड कर सकते हो और आपको अच्छे अच्छे टॉपिक मिल जाएंगे। अब आप लोगों को मैं एक जो सबसे अच्छा तरीका है वो बताऊंगा, फिर उसके बाद एक तरीका और बताऊंगा, आप लोग इन्हें सुन लीजिए अच्छे से, इसको मत करिए। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी बड़ा क्रिएटर है, बड़ा क्रिएटर का मतलब मेरा ये होता है कि उसके थोड़ा ज्यादा व्यूज आते हैं, मान लीजिए कोई क्रिएटर से शुरुआत में उसके कम व्यूज आ रहे होते हैं और एक दो महीने पहले ही उसका कोई वीडियो वायरल हुआ है और भैया अब उसके अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, तो आपको उस क्रिएटर के चैनल पे जाना होगा, वहां पे भैया जो उसकी पहले के वीडियोज हैं आप लोग उनको देखना होगा, और भैया उन वीडियोज को देख करके आप लोग उनको देखिए और फिर उनके मतलब ये देखिए कि इन पे आखिर व्यूज क्यों नहीं आए थे, और भैया आप लोग उनसे अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करिए और अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दीजिए, यहाँ से भी आप लोगों को टॉपिक मिल गए। लेकिन जो आप लोगों को मैं अगला टॉपिक बताने वाला हूँ, जो अगली बात मैं आप लोग बताने वाला हूँ, आप भैया गूगल ट्रेंड की मदद से भी अपना टॉपिक फाइंड कर सकते हो और भैया टॉपिक फाइंड करने के बाद वीडियो बना सकते हो, क्योंकि गूगल ट्रेंड में काफी अच्छे अच्छे टॉपिक आपको मिल जाएंगे और डेली के टॉपिक आपको मिल जाएंगे। भैया यदि आप लोग गूगल ट्रेंड से आप लोग भैया मतलब वीडियो के टॉपिक नहीं फाइंड कर रहे हो पा रहे हो तो आप लोग हमें कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे आप कैसे गूगल फाइंड से भैया अपने टॉपिक को फाइंड करोगे गूगल ट्रेंड से। तो बट फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोग वीडियो को समझ गए होंगे, जो मैंने आपको 3-4 पॉइंट आप लोग की वीडियो में बताए हैं आप लोग उनको फॉलो करोगे तो आप लोगों का भी टॉपिक की कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोग भैया डेली अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर सकते हो
सेम मेरे जैसे, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिए प्रत्येक दिन एक वीडियो आता है, और कोई कोई दिन तो ऐसा हो जाता है भैया कि दो वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ, व्यूज नहीं आते मुझे इसकी टेंशन नहीं, लेकिन मैं अपने चैनल पे कंटिन्यूटी बरकरार रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। आप भी ऐसा करिए, आप लोगों को लाइक करने बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।